हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश जैन और आप देख रहे हैं टेक्नो वाणी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी अपलॉक को कैसे बाईपास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी अपलॉक को बाईपास करने के लिए आपको एक अमेजिंग एक ट्रिक है जो आप क्रोम के जरिए कर सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगी। तो ऐसा इसलिए आप कर सकते हैं, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आपको अपनी फाइल मैनेजर एक्सेस करने नहीं दे रहा है, तो आप क्या उसके क्रोम से आप उसके अपलॉक को बाईपास कर सकते हैं। इसको हम बाईपास तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ऐपलॉक को ना तो हम क्रैक कर रहे हैं ना कोई हैक कर रहे हैं, हम इसको ऐपलॉक के अलावा इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना क्रोम ओपन करना होगा। जैसे मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया है, अब आपको उसके सर्च बार में सर्च करना है फाइल कॉलन 3 टाइम स्लैश, उसके बाद आपको लिखना है SD कार्ड। जैसे मैंने लिख दिया SD कार्ड, उसके बाद आपको सीधा सर्च कर देना है। अगर आपके इसमें इंटरनल स्टोरेज है, SD कार्ड नहीं है, तो भी आपको SD कार्ड ही लिखना है। उसके बाद सर्च होने के बाद आप देखिए आपकी SD कार्ड यहाँ पे ओपन हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी SD कार्ड सब ओपन हो चुकी है, इसमें फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है सब देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई नोट्स का फ़ोटो था तो आप सब मतलब यहाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक जरूर करें और इसको प्लीज़ शेयर भी कर दें। और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी टेक रिलेटेड चीज़ें लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।